तो भाई मौसम देखो आप जयपुर का, यार मजे आ गए मजे। ये देखो चूलगिरी के सामने पहाड़ है, वो सामने उधर चूलगिरी का मंदिर है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं हर्षित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्षित ब्लॉग्स। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है, ये आपको पहले भी घर के बारे में एक वीडियो डाल चुका हूँ कि ये है मेरे चाचा का घर बन रहा है और ये है आगरा रोड पे। तो इसका मैंने पहले भी एक ब्लॉग डाला हुआ है, उस टाइम आधा ही काम हुआ था। तो उस टाइम मैं, पता है आपको, जब आया था चाचा की गाड़ी लेने, लॉकडाउन की बात है वो भी। तो अब फिर से दोबारा मैं जयपुर आया तो यहीं पर रुका हुआ हूँ मैं। तो यहाँ से जो माउंटेंस का व्यू आता है वो आप मेरे बैक साइड देख रहे हैं, ये पूरा बैक साइड आप देख रहे हैं। तो इसमें एक पहाड़ है, वो चूलगिरी मंदिर है ट्रांसपोर्ट नगर में, उसका पहाड़ है वो। तो उसका मैं माउंटेन व्यू दिखाता हूँ आपको। तो भाई जो सामने जो पहाड़ दिख रहा है, जिसको मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, वो है चूलगिरी का मंदिर है। ऊपर आपको कुछ बिल्डिंग्स भी दिखाई दे रही होंगी, देखो ये है चूलगिरी का पहाड़ है वो, ऊपर मंदिर है। तो घर से जो माउंटेन्स का जो व्यू है, ग्रीनरी, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि जयपुर में लगातार काफ़ी 1.5 महीने से बारिश काफ़ी आ रही है। तो उसमें आप ग्रीनरी देख सकते हैं माउंटेन्स की, दिख रही होगी आपको, देखिए। तो भाई ऑलमोस्ट 90% वर्क कंप्लीट हो चुका है। डिस्टम्पर और कलर और थोड़ा लाइट फिटिंग का रह रहा है, वैसे 90% कंप्लीट हो चुका है। और ये सोसाइटी पड़ती है विनायक एनक्लेव, काफ़ी अच्छी सोसाइटी है, अभी नई बनी है। रोड भी डल रहे हैं धीरे धीरे, फ्लोटिंग हो चुकी है, काफ़ी प्लॉट्स बिक चुके हैं, पर लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोग बना नहीं रहे, प्लॉट्स लेके पटक दिए हैं। तो सोसाइटी में मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ। भाई आप सामने देख रहे हैं, ये सोसाइटी का है मेन एंट्रेंस है, यहाँ पे रिसेप्शन भी बनेगा अभी। और ये देखो साइड में भी एक घर बन रहा है, सामने भी बन चुके हैं दो घर, ये फ्लोटिंग हो चुके हैं। काफ़ी रेजिडेंशियल एरिया है, आसपास भी काफ़ी घर हैं। और ये घर के जस्ट सामने जस्ट 30 फुट रोड है, ये देखिए। तो ये काफ़ी बड़ी सोसाइटी है, पीछे तक है ये, इस साइड उधर पार्क भी बना हुआ है, यहाँ भी रोड डलेगा अभी, ये बाकी है। इस साइड में देखो ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है। ये 2020 चल रहा है, तो इस टाइम सिटी में घर लेना काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि रेट काफ़ी हाई है और पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए थोड़ा ऐसे माहौल में घर लिया है, क्योंकि यहाँ ग्रीनरी भी काफ़ी अच्छी है और सिटी के हिसाब से ठीक है। यहाँ पे, यहाँ से सिटी भी इतना दूर नहीं पड़ता, यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर पड़ता है राजा पार्क। दिस इज द होम। तो आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप एनिमेशन वीडियो और इनविटेशन कार्ड्स या बिजनेस कार्ड्स या पोस्टर से रिलेटेड यदि कोई वीडियो देखना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, तो मेरा जो कज़िन है प्रिंस जांगिड, उसका भी यूट्यूब चैनल है प्रिंस जे एडिट्स के नाम से। तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ताकि आप चैनल पर जाएँ और वीडियोज़ देख लें, और अगर कुछ वीडियोज़ बनवाने हो तो उससे DM करें उसे, ठीक है। वो रिजनेबल रेट में हो जाएगा, क्योंकि आप मेरे रेफरेंस के थ्रू जाएंगे तो काफ़ी रेट्स रिजनेबल हो जाएंगे आपके लिए। तो दोस्तों घर से रिलेटेड जो पहली वीडियो थी, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप जाके देखें। और दोस्तों आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। मैं ऐसे ही आपके लिए नए नए ब्लॉग्स लाता रहूँगा।
दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लव यू।